मैं फातिमा बलोच तामिरा टीवी चैनल से। हमारे आज के मेहमान हैं जुबैर बैग साहब। डिफ क्लेरिया इलेक्शन 2021 में आप सदन मुंतखब हुए, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि डिफ क्लेरिया के 15,000 मेंबरान में से आप ही को क्यों मुंतखब किया? डिफ क्लेरिया का एक निज़ाम है, एक जमहूरी तरीके से और एक जमहूरी अमल के तहत यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। हम 3 कंटेस्टेंट थे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारा एक प्रॉपर सिस्टम ये है कि हम इलेक्शन कमिश्नर, हमारा एक न्यूट्रल इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब किया जाता है और वो ही इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो मेरा बड़ा क्लियर विजन था, मैं फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, मेरा यही मिशन था और लोगों को मैंने यही अपने जलसों में भी यही बात की, अपनी मीटिंग में भी, अपने मेंबरान को कि इंशाल्लाह ताला दोबारा हम इसका रिवाइवल करेंगे डिफ क्लेरिया को, क्योंकि ये 25 साल पुरानी, सबसे पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 22,000 मेंबर हैं और 50,000 के करीब को मेंबर्स हैं। तो उनको मैंने एक ही बावर कराया कि इंशाल्लाह यू विल फील कि आप देखिएगा कि जब यंग क़यादत आती है तो वो नए से नए और बेहतरीन इकदाम करती है और मैं इनको साथ दूंगा। हमारा ख्वाब है कि हम लोग एक अपना डिफ क्लेरिया हाउस बनाए आबाद हाउस की तरह, और आप जैसे मैंने पहले लोगों के मसाइल हल किए, डिफ क्लेरियंस के मसाइल हल किए, तो उनको पता था तो उन्होंने फिर मेरे पर पूरा अहतमाद का इजहार किया, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके वालिद ने किस तरह आप पे रवैया रखा कि आप जरा आगे बढ़ते गए परवान करते हैं? वालिद फौजी होगा तो वो घर डिसिप्लिन्ड होगा, प्लानर सिखाए जाएंगे और हर चीज़ इन टाइम करने का, और एम्बिशियस यानी कि व्हेन यू आर इन टाइम ऑफ वॉर तो यू हैव टू टेक डिसीजन। तो उन्होंने मुझे, मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा हुई उनके, उनको देख के, और मैं वालिद साहब से इंस्पायर्ड हुआ। तो डिसीजन मेकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिसीजन लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पूरी काबीना है वो मेरे साथ खड़ी होती है। आप अपने वालिदैन की कौन कौन सी हिदायत पर अमल करते थे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक तो हम्बलनेस, मैं बड़े छोटे को जो है ना वो हमेशा बराबर ट्रीट करता हूँ, सीनियर्स को, बुज़ुर्गों को, उनसे एहतराम से पेश आता हूँ। यही बुनियादी चीज़ है, अपना इखलाक और हम्बलनेस। ये नहीं कि आज मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो मैं अपने अंदर कोई ऐसी ईगो पैदा करूँ, मेरी कोई ईगो नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है और मैं खिदमत के जज्बे से, आई यूज टू कॉल माई सेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ डिफ क्लेरियंस। अपनी तालीम के बारे में कुछ बताएं? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान नेवी मॉडल स्कूल में NORE1 में मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर वो बैरिया कॉलेज बना, वहाँ से मैंने पढ़ने के बाद फिर सेंट पैट्रिक कॉलेज में मैंने दाखिला लिया, उसके बाद मैंने MBA किया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। आप प्रॉपर्टी की फील्ड में कैसे? प्रॉपर्टी की फील्ड में मेरे हमारे अबू के एक दोस्त होते थे कमांडर साहब साहब, उनके दामाद थे हमजा स्टेट में। तो मैं जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं क्या नाम है फ़ौज ज्वाइन करूँ, मेरा फ़ौज की तरफ रुझान नहीं था, मेरा बिज़नेस की माइंड था। तो मेरे को वालिद साहब ने कहा कि यार ये आप अभी, क्योंकि गैप आता है तालीम और नेक्स्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, तो फिर मेरे को वो 3-4 महीने तो मैं यहाँ आया तो मुझे अच्छी लगी। इट वॉज एट दैट टाइम लैकिंग प्रोफेशनलिज्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा इख्तियार कर गई है, प्रॉपर प्रोफेशनलिस्ट अब इसमें आ गए हैं, डिजिटलाइज हो गया है और अब ये डिजिटलाइज दौर में रियल स्टेट एक बाकायदा प्रोफेशन बन गया है। जैसे आम प्रोफेशन इंजीनियर्स हैं, जैसे आपके डॉक्टर्स हैं, वैसे अब रियल्टर्स भी अब एक बेहतरीन प्रोफेशन कहलाते हैं। डीफ क्लेरिया की डीलिंग्स में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमारे इधारों से वास्ता पड़ता है, हमारा सब रजिस्ट्रार से वास्ता पड़ता है, हमारे DHA की इंतजामिया से वास्ता पड़ता है, हमारा कंटोनमेंट बोर्ड से वास्ता पड़ता है क्योंकि म्यूटेशन वहाँ से करें, MEO से वास्ता पड़ता है, हमारा जो है इसी तरह और इदारे हैं जो हमें फैसिलिटेट करते हैं, इन सब से इन इदारों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक। फिर हमारे जो ऑफिस हैं, हमारी फैसिलिटी जितनी डिफेंस और क्लिफ्टन जो एरिया है उनकी, देखें सफाई की भी प्रॉब्लम है उनके, अभी रिसेंटली बारिशों में पानी हमारे ऑफिस में चला गया, वो एक नया एक हमारा वो आ गया यहाँ पे प्रॉब्लम। इस तरह हमारे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम, फीसेज में इजाफा, ट्रांसफ़र फीसेज में इजाफा, नए कवानीन गवर्नमेंट FBR ने अभी हमें लास्ट टाइम जो है हमें प्रॉब्लम आ गई थी, जब जैसे ही मैं आया हूँ तो उन्होंने नॉर्मल इनकम टैक्स रिजीम में ले गए, तो सडनली हमारा फिर ब्रेक हो गया हमारा रियल स्टेट का बिजनेस। तो हम इस्लामाबाद गए, नेशनल असेंबली के मेंबर से गए, इमरान खान की जना पूरी काबीना से हम खुद जाके मिले वहाँ पे। इसी तरह अभी FBR का प्रॉब्लम आ गया, अभी FBR FATF का में प्रॉब्लम आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद गए, मिस्टर इकबाल खान साहब हैं DG उनसे, और PHA के हैं चेयरमैन जनाब जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर और उनकी पूरी टीम, ब्रिगेडियर सलमान, अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी गुड।
और प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम, दे वर वेरी हम्बल और वेरी काइंड। वो चाहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की हो, इस प्रोफेशन की तरक्की हो। उनसे हमारी और अभी रिसेंटली FBR के नुमाइंदों से हमारी मीटिंग हुई। काजी अफजल साहब हैं, चीफ FBR के ऑफिसर हैं, तो उन चीफ कमिश्नर जिसे कहते हैं, उनसे हमारी मीटिंग हुई। तो इन्होंने अभी रिसेंटली जो हमारा FBR टेबल है, जो जिसपे हम ये डील सेल डीड वैल्यू और सब लीज वैल्यू रखते हैं, तो उसको इंक्रीज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम फिर डिक्लेरिया हाउस आई, यहाँ 4 से 6 घंटे का सेशन हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने कम्प्लीट किया। हमारा शहर कराची फैलता जा रहा है, यहाँ की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ के हॉरिजॉन्टल होने चाहिए या वर्टिकल? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा अहम है आजकल के दिनों में। मैं हक में हूँ कि वर्टिकल ग्राउंड प्लस 100 स्टोरी, 40 स्टोरी, 50 स्टोरी, मैं तो कहता हूँ 200 स्टोरी की जाते हैं। सिंगापुर हमसे बाद में आज़ाद हुआ और हमसे ज़्यादा तरक्की की। आप वहाँ जाके देखें, सिंगापुर में ग्राउंड प्लस 100, 120, 130 स्टोरी एक आम सी बात है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी जो पैकेज दिया है, जो कंस्ट्रक्शन पैकेज, उसमें भी वर्टिकल पे प्रेशराइज किया है कि बिल्डर्स बनाएं। DHA फेज 8 के प्रोजेक्ट दुबई वाला माहौल पैदा कर सकते हैं? वो इतना तरक्की याफ्ता जगह है, जैसे उनकी रिसोर्सेज हैं, हाँ दुबई उनके रिसोर्सेज हैं, उनका रिसोर्स है ऑयल, ठीक है, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। अच्छा, हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं, हमारी आबादी बढ़ गई है, हमारे यहाँ सिस्टमेटिक वे में हम चले ही नहीं। अच्छा, अब जो फेज़ 8 ये इलीट क्लास के डिफेंस, फेज़ 1-2 लेके फेज़ 8 शुरू से एक इलीट क्लास की रिहाइश रही है। मेरी ये ख्वाहिश भी है कि मज़ीद यहाँ पे बिल्डिंगें बने, हम बीच लवर्स हों, प्रॉपर बीच डेवलप हों और पार्क्स बने। मैं कहता हूँ कि अपना वाटर गेम्स होने चाहिए, हम सी को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। वरना दुनिया में सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट की जगह बीच होता है, और आप सोचें कि हम लोग बीच पे जाना पसंद नहीं करते कराची वाले। कहीं समझ लो 5-7 साल हो गए हमें यहाँ समुंदर से एक किलोमीटर है और हम नहीं जाते, तो रीज़न क्या है कि डेवलप ही नहीं किया। ये देखिए, डीलरों की फ्लॉप एब्यूज के लिए हम लोग ये करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इवेंट किया जाता है, जैसे हम अभी क्रिकेट टूर्नामेंट का इवेंट होता है, अभी हमने स्नूकर टूर्नामेंट कराया है। हम लोग फंड्स जनरेट करते हैं, तो फंड जनरेट करते हैं हम अपने डिफ्लेरियन से ही फ़ंड लेके, जो अच्छे वेल ऑफ डिफ्लेरियंस हैं उनसे फ़ंड लेके, तो जो हमारे जो गरीब हैं, नादार हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको हम लोगों सिस्टमेटिक वे में, हम लोग रमज़ान में राशन ड्राइव की, उसके बाद हमने यहाँ पे एक सिस्टम रखा हुआ है कि हमें कोई डिफ्लेरियन एप्लीकेशन देता है तो हम उसको सीधे राज में उसको रख के उसकी इमदाद भी करते हैं। हाउसिंग लोन के बारे में बैंकों का किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, मैं एक तो हाउसिंग लोन मैं कहता हूँ यहाँ पे शरई तरीक़ों से, जो शरई निज़ाम है पूरे दुनिया में इस्लामिक, वो लोन्स यहाँ पे बिल्कुल देने चाहिए। और जो सूदी निज़ाम है उसके तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। शरई अगर वो समझते हैं और वो उलमा कराम उन्होंने हायर किए हुए हैं, उनसे मीटिंग करें, शरई लोन बिल्कुल लेने चाहिए। जो इमरान खान ने 30 लाख रुपये से लेके 1 करोड़ तक की इजाज़त दी हुई है, और हमारी खुशकिस्मती ये है कि डिफेंस में DHA की तमाम प्रॉपर्टीज़ पे किसी भी बैंक को कोई एतराज़ नहीं है, ना मीज़ान बैंक हो, ना हबीब बैंक हो, ना तो वो ईजीली और हैप्पीली लोन देते हैं हमें। कुछ प्रॉपर्टी डीलर बगैर किसी नाम के, बगैर किसी तरह धोखा देही का, पूरे कराची में या पाकिस्तान में, तो उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? जैसे ये अपने सवाल पूछा है किसकी रोकथाम कैसे हो, देखिए बात ये है कि आपने अपने जो मेहनत करके पैसे कमाए हैं, तो आप चाहेंगे तो नहीं कि मैं किसी ऐसे अरे गहरे के हाथ इन्वेस्टमेंट कर दूं। अच्छा, अब जो हमारा जितना बाहर तबका है वो भी यहाँ पे अपने किसी कज़न को, फैमिली मेंबर को ऑथराइज़ करता है कि यार आप जाके प्रॉपर्टी खरीदें, एक ज़िम्मेदारी है, आपकी भी हार्ड अर्न अमाउंट है, तो आपको पहले देखिए खुद देखना होगा कि मेरे पैसे हैं, मैंने कैसे लगाने और कहाँ लगाने। कई बार ऐलान हुआ कि प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे आपकी डिफेंस क्रिप्टन एरिया का एसोसिएशन बनी हुई, तो क्या उन गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए? जी देखिए, हमारा जो ये एसोसिएशन बनाने का मकसद भी यही था कि हमें देखें कोई रिकग्निशन नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में इतने डीलर्स होते थे, काम करते थे, पुराने पहले तो यहाँ पे रिटायर्ड फौजी ही थे जो फौजियों की प्रॉपर्टियाँ बेचते थे। आहिस्ता चलने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि हमारा कमीशन कहीं रिकग्नाइज नहीं है, कोई हमें 10,000 दे देता, कोई 50,000 देता था, ना 1% ना हम कहते थे कि 2% कमीशन है, लेकिन आज तक 2% दिया किसी ने नहीं। इमरान खान के दौर में जब हमारी मुलाकात हुई PHA के चेयरमैन से,
तो हमारा मुतालबा सबसे पहले यही था कि सर देखें FATF की हमारे पे तलवार लटक रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं फारूक नसीम साहब, उन्होंने हमें बुलाया, हमसे उनकी तकरीबन को 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई। उन्होंने हमें ये कहा कि बिल्कुल आपका ये मुतालबा जायज़ है। हमने उनसे कहा कि जैसे डेंटल काउंसिल है, इसी तरह एक इंजीनियरिंग काउंसिल है, हमें एक रियल्टर काउंसिल बना के दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा ये मुतालबा अप्रूव किए। उसके बाद उसका एक स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। FATF के हवाले से भी मैं बताऊं कि हम लोग उसमें भी गवर्नमेंट के और पाकिस्तान के मुल्क के साथ हैं और हम FATF में उनका साथ दे रहे हैं। तो उन्होंने अब हमसे वादा किया है कि ये जो 2% कमीशन, रेगुलराइजेशन, लाइसेंसिंग, वो निज़ाम आ गया तो समझ लें फिर लाइसेंस स्टेट एजेंट ही फिर रियल स्टेट को डील कर सकेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी क्वेश्चन? देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क में रह के सब कुछ ठीक करना है। और मैं बताऊं कि अगर हमारी नीयतें साफ हैं इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। लास्ट में तामीरात टीवी के लिए आप कुछ कहेंगे? जी मैं शुक्रिया अदा करूँगा तामीरात टीवी का, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि इनका 30 साल से प्रिंट मीडिया में आप लोगों का काम है और वाकई आप लोग इस मुल्क के लिए और बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपको, आपकी पूरी टीम का, आप यहाँ आए और आपने हमारे मसाइल भी सुने। शुक्रिया।